जी नमस्ते, वेलकम टू पांडे जी के रसोई। मैं हूँ सुनीता पांडे। आज हम लोग बनाएंगे बेसन की सब्जी बर्फी स्टाइल में, जो कि बहुत ही टेस्टी डिश है। इसे हम लोग सर्व करेंगे जीरा राइस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये बर्फी बनाने के लिए ये सारी सामग्री हमारा है। तो ये एक कटोरी हमारा है ये बेसन। अब हम इसमें डालेंगे ये एक चम्मच नमक, और ये पड़ेगा इसमें एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे ये एक छोटा चम्मच ये हल्दी पाउडर। अब इसमें पड़ेगा ये धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर एक चम्मच। अब इसमें पड़ेगा पानी, पानी पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर ज्यादा पानी हम डाल देंगे इसमें तो गुठलियां बन जाएंगी। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए एकदम हमारा बेसन कितना अच्छा हो गया। और थोड़ा सा इसमें पानी और पड़ेगा, इसको बहुत पतला नहीं रखेंगे, नहीं तो इसका स्वाद जो है कढ़ी का आने लगता है। कितना अच्छा है ये, इतना गाढ़ा रखते हैं। ये कटोरी बेसन रहेगा तो एक कटोरी पानी रहेगा। अभी हमारा तैयार हो गया है, अब इधर बनाना शुरू करेंगे। अब ये हम गैस जला के इसमें पैन रख दिए हैं, हमारा गैस एकदम फुल है। अब इसमें डालेंगे ये सरसों का तेल। ये सरसों का तेल बस हम दो चम्मच डालेंगे, छोटे चम्मच से। ये हमारा तेल एकदम गर्म हो गया है। अब हम गैस को सिम कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये अपना गुला हुआ बेसन, ये देखिए पड़ गया। अब गैस को हम करेंगे तेज। ये हमारा बेसन एकदम बढ़िया पक रहा है। ये देखिए बेसन एकदम कैसे गाढ़ा हो रहा है। अभी हमारा बेसन तैयार हो गया, ये हलवा टाइप में बन गया। अब हम इसका बनाएंगे ये बर्फी। ये देखिए फिर रख दे। ये हमारा ये देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा दो मिनट में ठंडा हो जाएगा, फिर इसको हम काटेंगे बर्फी स्टाइल में पीस करेंगे। ये देखिए आपको जितने बड़े पीस चाहिए आप उतने बड़े रख सकते हैं। मुझे छोटे पीस पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा छोटे पीस कर रहे हैं।
ये हो गया पीस। अब ये देखिए, अब इसको मैं ऐसे कर दूंगी, ये और ठंडा हो जाएगा। अब हम लोग इसके लिए, सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम लोग ग्रेवी के लिए देखते हैं सामान क्या क्या डालना है। ये हमारा है 2 प्याज मीडियम साइज और ये 2 टमाटर। ये 2 टमाटर का हम पेस्ट बना लिए हैं और ये 2 प्याज का पेस्ट बना लिए हैं और ये हम लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिए हैं जिसको हम डालेंगे 1 चम्मच। और ये हमारा है हल्दी पाउडर, छोटे चम्मच से 1 चम्मच पड़ेगा। और ये हमारा है धनिया पाउडर, 1 चम्मच पड़ेगा, ये थोड़ी बड़े चम्मच से। ये लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। और ये हमारा है दही मिर्च, इसको डालेंगे छोटे चम्मच से 1 चम्मच। ये हम डालेंगे जीरा 1/2 चम्मच। ये हमारा सूखा लाल मिर्च है तड़का के लिए 2 और ये तेज पत्ता 2 डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा ये बर्फी एकदम अच्छी फ्राई हो चुकी है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे, ये अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। देखिए कितना अच्छा हो गया है, कितना अच्छा फ्राई हो गया है। हम इसमें डाल रहे हैं तेल, देखिए हम इसमें तेल डालेंगे, 4 चम्मच तेल पड़ा है हमारा। अब इसमें पड़ेगा जीरा, ये 1/2 चम्मच जीरा है। अभी हम डालेंगे साबुत लाल मिर्च 2 और ये डालेंगे हम 2 तेज पत्ता और ये थोड़ी सी 2 पिंच हींग, ये 2 पिंच हींग। अब इसमें पड़ेगा हमारा ये प्याज की ग्रेवी, प्याज की ग्रेवी पड़ गई। अब डालेंगे इसमें मसाले, ये छोटा चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये है धनिया पाउडर, ये बड़े चम्मच से 1 चम्मच। ये है हमारा लाल मिर्च, लाल मिर्च आप स्वाद के अनुसार अपने डाल सकते हैं जितना आपको तीखा खाना हो। हम डाल लें छोटे चम्मच से 1 चम्मच। अभी हम डालेंगे इसमें देगी मिर्च, ये हमारा 1 चम्मच देगी मिर्च। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे इसके। अब डालेंगे हम इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे।
जा गया ये मसाला। अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटर का पेस्ट। मसाला हमारा बहुत ही अच्छा भून गया है। इसमें हम डालेंगे पानी। आपको जितना पतला ग्रेवी रखना है उतना आप इसमें पानी डाल। हमको थोड़ा पतला ग्रेवी रखना है इसलिए हम इसमें पानी डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये बर्फी। ये हम इतना तो थोड़ा सा मिक्स करके डाल देंगे इससे थोड़ा हमारी ग्रेवी और गाढ़ी हो जाती है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है सब्जी हमारी। ये हमारा आधा चम्मच गरम मसाला है। इसको हम सिम कर दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार एक चम्मच डालें हम। नमक पड़ गया। अब इसको हम गैस सिम करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। ये हमारी सब्जी पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती पक गई। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी है। अब हम गैस को बंद करते हैं। ये हमारा चावल बन चुका है। हम कुकर खोलते हैं। ये देखिए चावल हमारा देखिए कितना बढ़िया चावल एकदम अलग अलग है। अब हम चावल सर्व करते हैं प्लेट में। चावल देख, ये चावल देखिए कितना एक एक दाना अलग अलग है। अब हम लेते हैं अपनी सब्जी।
और इसको हम लोग करते हैं टेस्ट। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ज्यादा ही टेस्टी बनी है। और हम ये जीरा राइस को भी इसके सब्जी के साथ में टेस्ट करते हैं। जीरा राइस के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। और हमारे लिए जिसको मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।